तो जय हिंद, वेलकम बैक टू इटिगाइट यूट्यूब चैनल। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नया योजना लेके आया जो कि अग्निपथ, जिसके माध्यम से सेना में भर्ती होने के लिए आपको 4 साल के लिए मौका मिलेगा, जिसको बोलते हैं अग्निवीर। तो इसको लेके सारा देश में बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारा मतलब आंदोलन चल रहा है। मैं सभी से रिक्वेस्ट एक ही करना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट है, कृपया आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि आगे चल के आपका ही जो है, आप लोग ही अपना अनजाने में अपना देश का नुकसान कर रहे हैं, सर्वजन जो प्रॉपर्टी उसका नुकसान कर रहे हैं, और बहुत सारा देश का जो क्षति इसमें लॉसेस हो रहा है। तो आप लोग धीरज रखे, प्रोटेस्ट करें, लेकिन आराम से, लेकिन ऐसा तोड़ फोड़ ये सब हंगामा मत कीजिए। मैं बहुत सारे न्यूज चैनल में देख रहा हूँ, बहुत सारे बिहार, उत्तर प्रदेश और भारत के बहुत सारे स्टेटों में ऐसा आंदोलन चल रहा है, लेकिन आप लोग किसी के बहकावे में आके ये कदम ना उठाए कि कोई भी सर्वजन जैसे रेलवे हो गया और भी अदर्स कोई प्रॉपर्टी हो गया, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी हो गया, उसमें आप लोग तोड़फोड़ ना करें, कोई भी मतलब ऐसा काम ना करें ताकि आज का ही आपके लिए भी वो हानिकारक हो सके। तो सबसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले जो डेट था, मतलब आपका एज 17.5 से 21 साल था, अभी उसको 12 के 23 साल तक कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक जारी कर दिया, राजनाथ सिंह जो है हमारे जो है रक्षा मंत्री, उन्होंने अनाउंस किया, आप लोग देखे उसको। आंदोलन अभी भी चल रहे हैं, जो छात्र हैं या जो लोग भर्ती होना चाहते हैं, केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है, इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। तो आई आपको समझ चुका होंगे कि आप लोग 17.5 से 23 साल तक जो भी उम्र है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अग्निपथ में, और अग्निवीर के लिए देश के लिए 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, और उसके बाद भी बहुत सारा आपको अवसर दिया जाएगा। वहां से 25% रिजर्वेशन आपको मिलेगा, वहां से 100% कैंडिडेट वहां पे अगर होता है उसमें से 25% को आगे चल के परमानेंट का मौका मिलेगा। और भी बहुत सारे यहाँ पे जो है आपके लिए स्कीम रखा गया है, तो आप लोग पूरा विस्तार से जानकारी लीजिए, उसके बाद आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए या फिर जो भी करना है कीजिए, लेकिन पहले आप लोगों को बहकावे में नहीं आना है। कोई भी अगर बोल लीजिए चलिए आंदोलन करते, नहीं, आपको पहले समझना है कि सरकार किस लिए लाया है योजना, आप लोगों के अच्छे के लिए कि बुरे के लिए, आप लोगों को पहले समझना है कि वो कह दिया भाई हो गए आर्मी अभी कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया चलिए आंदोलन करते, तोड़ फोड़ करते, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप लोग बहकावे में आ जाते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट जो है बहकावे में आके ये सब करते हैं, लेकिन इसको मत कीजिए, अपना भविष्य खराब मत कीजिए। आपको मन है आर्मी में आने में, आपको मन है देश की सेवा करने में, तो आप कीजिए, लेकिन दूसरों के बहकावे में मत कीजिए। तो सरकार जो भी योजना लाते हैं गरीब लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए, भले के लिए लाते हैं ज्यादातर, लेकिन आपको समझना है खाली किसी के बहकावे में आके कोई भी ठोस कदम नहीं उठाना है। सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जितना भी मेरे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर से, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे है कि उसका जान पान से वो लोग कोशिश कर रहे हैं 1-2 साल से कि उसको कोई भी हालत में आर्मी में एडमिशन होना है, आर्मी में दाखिल उसका होना ही है, लेकिन उसके रिक्वेस्ट एक ही है कि आप लोग कृपया शांति बनाए रखें, ऐसा प्रोटेस्ट ना करें कि जिससे सरकार को, यानी सरकार मतलब क्या, हमारे देश को ही नुकसान होगा, ऐसा तोड़ फोड़ करेंगे उसका जो खर्चा है बाद में हमारे सरकार को भरना होगा, उसका टैक्स हम लोगों को इनडायरेक्टली कैसे ना कहीं पेमेंट करना, तो इसमें देश का ही नुकसान होगा। बहुत सारा पैसा जो दूसरा जगह लग सकता था वो क्या है, फिर से इस चीज को ठीक करने में फिर से लगेगा। तो ये आपको समझना है, प्रोटेस्ट ऐसा नहीं करना है, जो योजना लाता है सरकार या फिर जो सेमी आता है उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होता ही है। आप लोग 4 साल, बहुत सारे देशों में ऐसा भी होता है कि 2 साल या 3 साल आर्मी में आपको सेवा देना है उसके बाद आप लोग गवर्नमेंट चाकरी में अप्लाई करते, वही पे तो ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होता, कोई आपको ये बात जो है नहीं बोलेगा। बहुत सारे देशों में अभी ऐसा हो गया है कि आपको सरकारी चाकरी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए पहले 2 साल या 3 साल आपको कंपलसरी आर्मी में आपको सेवा देना है देश के लिए, उसके बाद आप कोई भी गवर्नमेंट चाकरी में सरकारी चाकरी के लिए आप लोग जो है सरकारी नौकरी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात तो आपको कुछ कोई नहीं बोलेगा, खाली आपको बैग आएगा और देश के खिलाफ नारेबाजी के लिए आपको उत्साहेगा और बोलेगा आंदोलन करो, प्रोटेस्ट करो, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिए। इससे जो है लॉसेस हो रहा है और हम लोगों के ही लॉसेस हो रहा है, तो आपको समझना है, जो भी सेमी ला रहा है, बहुत जल्द जो अग्निपथ जो
योजना है, इसके माध्यम से बहुत जल्द आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो आप लोग उसमें जो दाखिला ले सकते हैं अग्निवीर के लिए, अग्निवीर के लिए, ठीक है। तो बने रहे चैनल के साथ, और बहुत सारा आम जो जनता है उसको भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ये फ्रेंड्स, आई होप आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अपडेट के साथ, बने रहे चैनल के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स।